दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। बड़ी तादाद में लोगों को तुरंत इलाज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और यह कैसे बनती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियां नहीं होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अन्य गैसें मौजूद होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद से इसमें से अशुद्धियां निकाल दी जाती है। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाती है और इसे स्टोर किया जाता है। इस स्टोर की जाने वाली ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। तैयार की गई मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसे कैप्सूल के आकार के बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। अस्पताल द्वारा इन टैंकरों को मरीजों के पास पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस बाजू वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।